कलामड़ और बैराड़ गांव में गर्जी प्रशासन की जेसीबी 40 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त। शिवपुरी जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को पोहरी एसडीएम मोतीलाल अहिरवार के मार्गदर्शन में बैराड़ तहसीलदार द्रकपाल सिंह के नेतृत्व में राजस्व और नगरीय प्रशासन विभाग ने कलामड़ और बैराड़ गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए जिसकी कीमत 40 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इससे कार्रवाई के दौरान बैराड़ गांव में सर्वे नंबर 2811 जो चारागाह भूमि के रूप में दर्ज थी पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल कर ली थी जिसे नगर परिषद की जेसीबी से जमींदोज कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसी प्रकार कालामड़ में सर्वे नंबर 89833 उद्योग विभाग की भूमि पर से अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस संबंध में बैराड़ तहसीलदार द्रकपाल सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, आगे भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी रहेगी। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बैराड़ में आपके द्वारा ये अतिक्रमण हटाया गया, क्या कुछ है पूरा मामला? एक तो तालाब के ऊपर जो है बैराड़ गाँव में लगभग जो है 5 हेक्टेयर भूमि पे एक मंदिर के नाम पे कब्जा कर लिया गया, बाउंड्री बना ली थी और गौशाला की कह रहे थे लेकिन कोई कागज नहीं कुछ नहीं, केवल अतिक्रमण था। उस पर कमरा बनाने की भी तैयारी चल रही थी, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हो गई, उसे हटवाया गया और जिससे शासकीय भूमि उधर की सुरक्षित है। बैराड़ में वैसे भी शासकीय भूमि जो है ना शासन की कोई योजना आती है उसके लिए ढूंढे नहीं मिलती है, और ऐसे ही कालामड़ गांव में 3 हेक्टेयर भूमि जो है जिसपे उद्योग विभाग की थी बाउंड्री बना के 2-3 लोगों ने बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ बना के दरवाज़ा लगा के कब्जा किया था, उन्हें हटाया गया। और कुछ छोट मोट जो है कार्रवाई पुरानी मंडी में जो है ना एक दो नवनिर्मित बाउंड्री वगैरह भरी थी उन पर कार्रवाई की गई। इस पूरी ज़मीन में लगभग जो है ना 8 हेक्टेयर भूमि रिक्त करवाई गई और ये लगभग इसकी जो है बाजार कीमत जो है ना 1,70,00,000 के लगभग 70 लाख से ऊपर आती है। और ये बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ बना के कब्जा कर रहे थे, थोड़े दिन रुकते तो इन पे जो है ना और निर्माण कार्य हो जाते, इसलिए ये कार्रवाई की। अभी ये रहवासी जगह नहीं थी, इन पर कोई रहता नहीं था, निवास नहीं करता था, केवल जो है घेरने के उद्देश्य से सरकारी भूमि को बाउंड्रियाँ की गई, इन्हें हटा दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है और वैसे ही तोड़ दिया। नहीं, जानकारी क्या है, जानकारी इनको बराबर सचेत करते रहती, ये सरकारी भूमियाँ हैं, मैं बराबर क्षेत्र में भी घूमता रहता हूँ, हर समय कहता हूँ कि सरकारी जब निर्माण कार्य शुरू होता है तभी कहते कि इसको रोको रोक दो, और फिर शासन की बहुत सारी योजनाएँ उसमें व्यस्त हो जाते, तो इन शासकीय भूमियों को लिए बाउंड्री बाल बना के हमें किसी की जो है ना उसे तोड़ने के लिए कोई जो है ना विशेष उसकी आवश्यकता नहीं होती, और कार्रवाइयाँ तो हमारी नोटिस की चलती थी। जैसे कि 3-4 जगह एक साथ अतिक्रमण हटाया है तो क्या एकदम ऑटोमेटिक कैसे, क्या मतलब प्लान ऑटोमेटिक जो हमारी जानकारी में आ जाती है, मैं भी क्षेत्र में देखता हूँ, पूछता रहता हूँ, राजस्व अमले से भी पूछता हूँ ये भूमि कैसी है, सरकारी है क्या है, जितना नज़र में आता है और रोड के किनारे का लगभग लगभग दिख जाता है, अंदर का जो खेती कर रहे हैं वो थोड़ा एक बार में नहीं पकड़ में आता, लेकिन रोड के किनारे अगर कहीं पर कोई बाउंड्री वॉल बनाता है और बड़ी रकबे में बनाता है तो ये समझ में आता, राजस्व अमले से भी पूछते हैं कि ये बाउंड्री वॉल कौन सी भूमि बनाई जा रही है, किसकी अनुमति से बनाई जा रही है, कोई परमिशन है, कोई दस्तावेज है, तो वो कोई कुछ प्राप्त नहीं होते। जैसे कि अभी अतिक्रमण बहुत हटाया गया है आज, और आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे भी कार्रवाई हम चिन्हित करवाते जाएंगे और जो भी कार्रवाई करती है वरिष्ठ को जरूर बताती है, और एसडीएम साहब को भी बताया, आए भी एसडीएम साहब भी, उनके निर्देशन में ही ये सब हुआ है, और हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब को भी मैसेज करते हैं, उनका भी हमें ये रहता है कि जो भी अतिक्रमण हो है कहीं भी नवनिर्मित हो उसे देखते रहो, उसे हटाओ, और विशेष तौर पे उनका कालामड़ पे बहुत ध्यान रहता है, कालामड़ और बैराड़ में जब भी मीटिंग होती है तो ये चर्चा होती है।